दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी स्टूडियो में। साथी हमने आपके लिए एक और नई वीडियो। तो गाइस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे और आपकी बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, तो मैं कुछ कमेंट्स बॉक्स जो है मैंने खोला है, उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं वो हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आपकी जैसी भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता देना जो भी हो। और हम कुछ कमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं, पेपर में लिखी हुई हैं, मैं उनको पढ़ के बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक कमेंट्स आई है बेबी देवी की, तो वो कमेंट्स क्या है? सबसे पहले बेबी देवी की एक कमेंट है, भाई आप कहाँ से हो? मुझे अपनी किचन में ऐसा ही दरवाजा लगवाना है, इसमें कितना खर्चा आएगा? यानी कि इन्होंने एक किचन देखी थी मेरी, पत्थर की सपोर्ट थी, पत्थर की ठाड़ थी, उसमें दरवाजे लगे हुए थे। तो उन्होंने कमेंट किया है कि ऐसा ही दरवाजा लगवाना मुझे, इसमें कितना खर्चा आएगा? तो बेबी बबली देवी जी, मैं आपको बता दूं कि किचन की जो खर्चे की बात है वो हम जैसे कि लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बताते हैं, कितना लंबा चौड़ा किचन है, कितना बड़ा किचन है। और इम्पोर्टेंट करता है कि आप उसमें मटेरियल कैसा लगा रहे हैं, उसमें आप मटेरियल कैसा लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है। तो खर्चे की बात ऐसी है, खर्चा ऐसे नहीं बताया जाएगा, खर्चा तो उस समय बताते हैं जिस समय आपको सामान लिखाना जाता है, किस क्वांटिटी का, किस क्वालिटी का आप सामान खरीदे हैं। लेकिन ये जो किचन आपको बनवानी है तो आपको एक मैसेज में जो है अपना नंबर छोड़ना होगा, मेरे मैसेज में एड्रेस के साथ, ठीक है? एड्रेस के साथ अपना नंबर छोड़िएगा तो मैं जो है आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा और आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो कमेंट्स है हमारी, ये ऋषभ करके हैं, ऋषभ यानी कि हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे दोस्त और हमारे सम्मानीय साथी भी हैं, काफ़ी समय से हमें फॉलो कर रहे हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इससे पहले लाड़ी भगत थे हमारे साथ, अभी ऋषभ भाई हमारा बहुत कमेंट्स बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, वो कमेंट्स भी करते हैं और वो मेरे ब्लॉग चैनल पर भी हैं। तो ऋषभ का जो है एक कमेंट्स आया है, सर आपका बोर्ड का काम एकदम नंबर वन है। मैंने कहा है सर आपका बोर्ड का काम एकदम नंबर वन है। तो ऋषभ भाई, ये तो आपका प्यार है कि आप हमेशा हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें अच्छा फॉलो करते हैं। और मेरा काम करता हूं और आपको पसंद आता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देखते हैं और प्रत्येक वीडियो पर कमेंट भी करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट एक कमेंट्स और है, ए आर स्टार करके है, चैनल का नाम है ए आर स्टार, उन्होंने लिखा है कि आपका नंबर दो कुछ मार्बल की जो किचन है, पत्थर की किचन होती है, उसमें स्क्रू इनके कुछ ढीले हो गए हैं तो उससे रिलेटेड इनको बात करनी है। तो मार्बल की जो किचन होती है उसमें स्क्रू जो लगते हैं ना दोस्त, ए आर स्टार, तो आप जो भी हैं ए आर स्टार के नाम से आपकी कमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो आर पार वाला जो पेच आता है वो डलता है, ज़्यादातर तो हम वही लगाते हैं और कुछ लोग हाफ वाला गुल्ली लगा के एयर लाइट लगा के लगा देते हैं, उसमें शिकायत आ जाती है। तो आप बोलिएगा उनसे कि आर पार वाला एक नट आता है, दोनों तरफ छुरी से टच जाता है वो, ठीक है? प्लस बाई प्लस होता है वो, है तो उसको आप लगवाइएगा, वो बढ़िया हो जाएगा। इंसाफ अली ने कमेंट की है और उन्होंने क्या लिखा है, तू कारपेंटर नहीं पागल है, अपना काम तरीके से कर। अच्छा, हमको सिखा रिया है? अच्छा, तू कारपेंटर नहीं पागल है, अपना काम तरीके से कर। तो ऐसी कमेंट कभी कभी आ जाती हैं। तो इंसाफ अली जी, हम पागल ही सही पर काम अच्छा तरीके से ही करते हैं, इसमें आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर ऐसा कमेंट ना किया करें किसी को भी। नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ते हैं, सैनोलिया एक कमेंट करते हैं, लाइट वाले रंधे में तेक कम ज़्यादा कैसे करते हैं? तो आपको बता दें, लाइट वाला रंधा जो होता है उसमें तेक तो फिक्स रहती है, ठीक है? तेक फिक्स रहती है लाइट वाले रंधे में, आगे की तरफ एक प्लंजर जो होता है ना, प्लेट जो होती है, आगे में एक बाल टाइप का होता है, उसे आगे ऊपर नीचे करना होता है, उससे क्या है कि एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर आपने ऊपर खींचा तो तेक आपको बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आएगी, यानी कि ज़्यादा काटना हो तो लकड़ी को, और आपने ढीला कर दिया तो वो जो है प्लेट डाउन हो जाएगी, तो वो जो है लकड़ी को कम काटेगी, उसमें तेक आगे पीछे नहीं होती है। सुनील जांगरा की कमेंट है, सुनील जांगरा ने कमेंट किया है हमारे वाटरप्रूफ एक बोर्ड के ऊपर, यानी दरवाजा जो है उसके ऊपर, उन्होंने लगाया, अरे कारपेंटर साहब क्यों चुतिया बना रहे हो,
तुम्हारा दरवाजा इतना ही वाटर प्रूफ है, तो एक टैंक में डालो और फिर उसे दूसरे दिन निकाल के दिखाओ। तो मेरे भाई तुम्हें बता दूं, सबसे पहले तो दरवाजे वाटर प्रूफ ही आते हैं, और रही बात टैंक में डालने की, अगर आप टैंक में डालोगे भी और दूसरे दिन निकालोगे भी, तो पहले तो ऐसा कभी किया नहीं किसी ने, मेरे यहाँ तो भैया इतना बड़ा टैंक भी नहीं है कि मैं जो है दरवाजे को टैंक में डाल दूँ, ठीक है। और दूसरी बात, वाटर प्रूफ जब कंपनी गारंटी देती है मेरे भाई, इसमें मैं नहीं बोलता कि ये वाटर प्रूफ है ये ख़राब नहीं होगा, ये खुद कंपनी बोलती है 25 साल की गारंटी के साथ कि ये बोर्ड वाटर प्रूफ है, इसकी गारंटी हमारी है, ये पानी में ख़राब नहीं होगा, जो कंपनी बोलती है वो हम आपको बता देते हैं। मैंने तो अभी भैया जो है इसको चेक भी नहीं किया, एक्सपेरिमेंट जैसे बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया कि मैं पानी में डाल के दूसरे दिन निकालूं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो कंपनी बोलते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मोहत जावेद करके हैं भैया, उन्होंने किया है कि भाई लकड़ी का रंधा बनाकर दिखाओ। तो मोहत जावेद जी, मैं आपको बता दूँ, लकड़ी का जो रंधा है मैंने तो नहीं बनाया कभी, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं मार्केट से ही खरीद लाता हूँ। और अभी आजकल तो आप देख रहे होंगे लोहे के जो रंधे आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं, तो लकड़ी का रंधा हम बहुत पहले कभी इस्तेमाल किए थे, और मेरे को तो अभी करीब 6-7 साल हो गया, मैं तो लोहे का रंधा ही इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है लकड़ी के रंधे में, ठीक है दोस्त। और लकड़ी का रंधा आजकल कोई चलाता भी नहीं है, तो आप भी लोहे का रंधा चलाइए, ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों एक कमेंट और है, सतनाम दहिमा की कमेंट है, उन्होंने कहा है कि आरी में धार सिकंजे में कसकर लगाई जाती है। तो सतनाम जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक साइड पर आरी में धार लगाने के लिए सिकंजा लेकर जाएं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साइड पर आरी में धार लगाने के लिए सिकंजा ही लेकर जाएं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आरी में धार लगाने के लिए प्रत्येक साइड पर आप सिकंजा लेकर जाएं, तो भाई साहब दिमाग लड़ाना पड़ता है, ठीक है। कभी आप पे सिकंजा नहीं होगा तो आपकी आरी में धार नहीं लगेगी, आप बैठे ही रहोगे बिना धार लगाए, वैसा ये दिमाग लड़ाना पड़ता है कि आपको आरी में धार कैसे लगानी है। सिकंजा होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो जुगाड़ करके लगानी पड़ेगी आप आरी में धार, ठीक है। तो गाइस आज की कमेंट यही थी, और आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं ब्लॉग से रिलेटेड भी वीडियो देता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो काम का सीन है वो लगातार मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि रोज तो हमारे कोई जो प्रोजेक्ट है या कोई भी काम करते हैं तो रोज तो तैयार नहीं होते हैं, समय समय पे तैयार होते हैं। अब तो मेरी वीडियो आप देख ही रहोगे बहुत ज़्यादा लेट आने लगी है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, मैं कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, अकेला पड़ जाता हूँ, और रोज़ मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ आप लोगों को, रोज़ तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन यह है कि मैं काम की भी बनाऊँगा और इससे रिलेटेड जो है अपना ब्लॉग से रिलेटेड जैसे वीडियो होती है मैं इस पर दिया करूँगा। मैंने चैनल बनाया था एनके ब्लॉग के नाम से, वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, वो सक्सेस भी नहीं हो पाया। तो अब अपना जो भी काम होगा, मेरा मेन चैनल यही है और आप इसी चैनल में मेहनत करनी है, और आपसे अनुरोध है प्लीज़ 70,500 सब्सक्राइबर है और मुझे 1,00,000 सब्सक्राइबर करना है। आप कितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कितने लोगों से सब्सक्राइब करा सकते हैं, 1,00,000 सब्सक्राइब होने पर मेरे को सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, और मुझे 4 साल हो गए लेकिन मेरे को अभी 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ, तो थोड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि आप लोगों का प्यार थोड़ा कम हो गया, लेकिन हो सकता है इसमें मेरी भी कुछ कमियां हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि वीडियो को शेयर करा करें जितना ज़्यादा हो सके, और अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से, सबसे सबके मोबाइल से सब्सक्राइब करें, 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरा भाई जल्दी से, जिससे कि प्ले बटन आपके भाई को मिल जाए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, बाय बाय।